इंसान का माना डिक्शनरी में देखेंगे तो इंसान ये उससे बड़ा है, अलिफ नून और सीन तीन जुमलों से या तीन लफ्ज से ये जो है जुमला बना है इंसान। और उन्स का माना होता है घुलना मिलना, आपस में मोहब्बत करना। और इसी तरीके से हम और आप बोलते हैं उन्सियत, यानी फला को फला से उन्सियत हो गई, यानी फला को फला से मोहब्बत हो गई। तो इंसान का माना होता है मोहब्बत के। और हर इंसान ये चाहता है, इंसान की इंसान अकेला रहना नहीं चाहता, इंसान को किसी का साथ चाहिए, किसी की रिफाकत चाहिए, किसी की दोस्ती चाहिए। इसीलिए इंसान के फितरत के अंदर है कि इंसान को किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम बनाया, वो निज़ाम रिश्तों का निज़ाम है, वो निज़ाम खानदान का निज़ाम है। और जब ये निज़ाम बनाया तो कोई किसी का ददिहाली रिश्ते से कुछ है, कोई किसी का ससुराली रिश्ते से कुछ है, तो कोई किसी का ननिहाली रिश्ते से कुछ है। यानी हर इंसान अपने रिश्तों में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जो है उसका रिश्ता है, और हर इंसान अपने खानदान में बंधा हुआ है। जब इंसान अपने रिश्तों से जुड़ गया, खानदान में बंध गया, तो उसको अपने खानदान में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो नरम मिजाज के हैं, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सख्त मिजाज के हैं, जो इनके जिनकी बातों में कड़वाहट होती है, और ऐसे लोग भी हैं जिनकी बातों में नरमी होती है, प्यार और मोहब्बत होता है। तो अगर आपको तलख मिजाज के लोग मिले, आपको ऐसे लोग मिले जिनकी जुबान में जिनके जुमलों में कड़वाहट है, तो हमारी शरीयत कहती है कि सब्र कर दे। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके जुमलों में कड़वाहट होती है, जिसका मिजाज तल्ख मिजाज का है, तो सब्र कर लिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लजी युखालितु अन्नास व यसबिरु अला अदाहुम, यानी मोमिन वो है जो लोगों से मुलाकात करता है, लोगों से मिलता जुलता है, लोगों से रिश्तेदारी रखता है, और जब उनकी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है, जब उनका कोई खानदान वाला कोई फर्द कोई तकलीफ वाली बात बोलता है, तो वही सबिर वाला अजाहुम उनकी तकलीफ वाली बातों पर सबर करता है। खैरु मिनल्लज़ी ला युखालितु अन्नास वला यसबिरु अला अदाहुम, ये उस आदमी से बेहतर है जो लोगों से नहीं मिलता और लोगों की तकलीफ वालों बातों पर सबर भी नहीं करता। ये उस आदमी से बेहतर है जो आदमी लोगों से मिलता है और लोगों की बातों पर सबर नहीं करता है, तकलीफ वाली बातों को सुन करके वो उस पर जो है सबर कर लेता है। इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि लोगों से मिलना जुलना और लोगों की बातों पर सबर कर लेना, लोगों की तकलीफ दे बातों को सुन करके उस पर सबर कर लेना, ये एक सच्चे मोमिन की पहचान होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा मोमिन वही है जो लोगों से मिलता भी है, लोगों से ताल्लुकात भी रखता है, और लोगों की तकलीफ दे बातों पर सबर भी करता है। और वो आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी सही मानों में मोमिन नहीं है जो आदमी लोगों से नहीं मिलता है और न ही लोगों की तकलीफ वाली बातों पर सबर करता है, वह आदमी सही नहीं है, वह आदमी सच्चा मोमिन नहीं है। मेरे भाइयों, जब एक इंसान रिश्तों के बंधन में बंधा है, तो आप देखते होंगे हमारा समाज है, हमारे समाज के अंदर हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि आज हम और आप थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई झगड़े करते हैं, भाई भाई के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाता है, बाप से बेटा दूर हो जाता है, माँ से बेटा नफरत करने लगता है। आज लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद ये हमारा और आपका शेवा बन चुका है। मेरे भाइयों, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए लोगों के बीच में, खानदान के बीच में, रिश्तों के बीच में,
अगर इख्तलाफ ने बीज बो लिया है, रिश्तों के बीच में नफरत ने दीवार खड़ी कर दी है, दुश्मनी ने दीवार को कायम कर दिया है, मोहब्बत खत्म हो गई है, इख्तलाफ ने जन्म ले लिया है, तो ऐसे मौके पर एक सच्चे इंसान का किरदार क्या होता है? इसलिए सच्चे इंसान का किरदार यह होता है कि वो उन दोनों के बीच में इस्लाह कर दिया करे। अगर खानदान के बीच में कोई इख्तलाफ हो गया, कोई दुश्मनी हो गई, किसी बात को लेके टूटू मैंने हो गया, तो तीसरे आदमी का किरदार यह होना चाहिए कि वो उन दोनों खानदान के बीच में या उन दोनों आदमियों के बीच में इस्लाह का काम करे, दोनों को आपस में मिला दे, इख्तलाफ को खत्म करे, दुश्मनी को खत्म करे, मोहब्बत पैदा करे, रिश्तों में जो इख्तलाफ आ गया था उन इख्तलाफ का खात्मा करके मोहब्बत पैदा कर दे। क्यों? कुरान कहता है सूरह हुजरात, उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اے میرے بندو, اگر دو جماعت آپس میں لڑ پڑے, اگر دو لوگ آپس میں لڑائی کر بیٹھے, تو میں ہو جائے, کوئی معاملہ بگڑ جائے, تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان دونوں کے بیچ میں, ان دونوں جماعت کے بیچ میں, ان دونوں انسانوں کے بیچ میں اصلاح کا کام کر دیا کرو, لڑائی کو ختم کر دیا کرو, لڑائی کا خاتمہ کر کے اصلاح کو قائم کر دیا کرو, محبت قائم کر دیا کرو, دشمنی کا خاتمہ کر دیا کرو۔ میرے بھائیو غور کیجئے, قرآن کہتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ جائیں تو ان لڑائی کو ختم کر کے آپس میں تیسرا آدمی آ کر کے اصلاح کا کام کر بیٹھے, ان دونوں کو ملا دے, دونوں کے دلوں کو ملا دے۔ میرے بھائیو لیکن آج ہمارا معاشرہ سماج کیا بولتا ہے؟ آج اگر کسی بھائی نے ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑتا ہے تو تیسرا آدمی آ کر تماشا دیکھتا ہے, تیسرا آدمی آ کر کے موبائل کا کیمرہ چالو کر کے اس کا فوٹو لینے لگتا ہے, ویڈیو شوٹنگ ہونے لگتی ہے, وہاں پر لڑائی ہو رہے ہیں, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, دونوں آپس میں توتو میں ہو رہا ہے, شیطان نے وہاں پر جگہ لے لیا ہے, لیکن یہاں پر تیسرا آدمی جو جس کو اصلاح کرنی چاہیے تھی, جس کو وہاں پر لڑائی کو چھوڑا دینا چاہیے تھا, اختلاف کو ختم کرا دینا چاہیے تھا, لیکن آ کر ویڈیو شوٹنگ کرتے ہیں, کیمرے میں تصویر قید کرتے ہیں۔ میرے بھائیو غور کیجئے, یہ کتنی بری بات ہے, کتنی گھٹیا بات ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ آج تیسرا آدمی آ کر اصلاح کرے لیکن تیسرا آدمی آ کر بولتا ہے کہ اے میرے بھائی, اگر تجھے سامنے والے نے تجھے بہت مارا ہے, تیری ماں کو گالی دیا, تیرے باپ کو گالی دیا, اس کے جذبات کو بھڑکاتے ہو, اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہو اور اس کو لڑائی پر آمادہ کرتے ہو, دونوں بھائی کے بیچ میں اور اختلاف کراتے ہو اور دشمنی کراتے ہو۔ میرے بھائی غور کیجئے, قرآن کی آیت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اگر دو بھائی آپس میں لڑ پڑے, دو جماعت آپس میں لڑ پڑے, تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے, فأصلحوا بینہما, آپ آ کر کے دونوں بھائی کے لڑائی کو چھوڑا دیجئے, پیار کو قائم کر دیجئے, اصلاح کروا دیجئے, دشمنی کو ختم کروا دیجئے۔ میرے بھائیو قرآن کا کتنا بہترین پیغام ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر لڑائی ہو جائے دو کے بیچ میں, آپ آئیے اصلاح کی بات کر دیجئے, دونوں کی بات کو سن کر کے رفع دفع کر دیجئے, آپس میں اختلاف کو ختم کرا دیجئے۔ اس کے بعد قرآن نے کیا کہا سنیے, غور سے سنیے میرے بھائیو, قرآن کے دلیل سے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج رشتوں میں محبت کیسے پیدا کرے, پیدا کرنے کا طریقہ اور فارمولا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, اے میرے بندو اگر سامنے والا اصلاح کرنے پر آمادہ نہ ہو, آپ تیسرا آدمی بن کر کے آپ آئے اور آپ دونوں کو سمجھا رہے ہیں, لیکن ایک بات, ایک انسان آپ کی بات مان رہا ہے, دوسرا آپ کی بات نہیں مان رہا ہے, دوسرا پھر ظلم و زیادتی کر رہا ہے, دوسرا پھر آمادہ ہو جاتا ہے سامنے والے کو ماننے پر, تو آپ کو چاہیے کہ جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے, آپ کی اس سے لڑائی کرنے لگیے۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے دو آدمی لڑائی کر رہے ہیں, آپ آئے کہ بھائی کیوں لڑائی کر رہے ہو, چھوڑ دو اس کو, آپس میں صلح کر لو, اصلاح کر لو, لیکن ایک آدمی آپ کی بات مان لیا, دوسرا آدمی آپ کی بات نہیں مان رہا, وہ بولتا نہیں چھوڑوں گا اس کو میں,
तो कुरान कहता है जो आपकी बात को नहीं मान रहा है आप उसको उससे लड़ाई आप भी कीजिए, आप भी उससे लड़ाई कीजिए, हत्ता तबीरा इला अमरिल्ला, यहाँ तक कि वो अल्लाह की बात को मान ले, इस्लाह का वो कानून ना फिस कर ले, इस्लाह के मामले पर आ जाए। वहीं बात अगर वो इस्लाह के मामले पर आता है, अगर वो आपकी बात को मान लेता है और कहता है कि नहीं मैं इस्लाह कर लूंगा, मैं झगड़े को खत्म करता हूँ, दुश्मनी को खत्म करता हूँ, तो कुरान ने क्या कहा, पास लिखो गई ना होगा बिलाजली वापसी को। अरे मेरे बंदो, जब इस्लाह करने पर दोनों लोग आवादा हो जाते हैं, दोनों लोग ये कहते हैं कि हम इस्लाह कर लेंगे, अपने दिल से दुश्मनी को निकाल देंगे, मोहब्बत पैदा कर लेंगे, तो आपका काम ये होना चाहिए कि अदल व इंसाफ के साथ, अदल व इंसाफ का मीजान रखते हुए दोनों के दरमियान इंसाफ कर दीजिए, इस्लाह करा दीजिए। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए मेरे भाइयों, कुरान कितना प्यारा कुरान है यार, कितनी प्यारी किताब है। कुरान ने कहा अगर आपने कोई बात नहीं मानता है तो आप उससे लड़ाई कीजिए जब तक कि वो आपकी बात ना मान ले, इस्लाह के मामले पर ना आ जाए। अगर इस्लाह के मामले पर आ जाए तो अदल और इंसाफ के साथ दोनों के दरमियान फैसला कर दीजिए। अल्लाहु अकबर। वत्तकुल्लाह, और जब आप इंसाफ का मामला कर रहे हो, जब आप इस्लाह कर रहे हो, तो आपके दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए कि अगर मैं गलत फैसला करता हूँ, अगर ना इंसाफी करता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जवाब देना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा क्या है मेरे बंदे, तूने बड़ा दिन इंसाफ किया था, तूने बड़ा दिन फैसला किया था, तेरा ये फैसला ना इंसाफी पर कायम था, तूने चेहरा देख कर फैसला किया था, तेरा वो दोस्त था वो जुल्म ज्यादति कर रहा था, सामने वाला गरीब था, तूने उसके खिलाफ फैसला किया जबकि उसकी गलती नहीं थी। वत्तकुल्लाह, जब आप फैसला करोगे तो आपके दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, जब आपके दिल में डर होगा और सही फैसला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर रहम व करम की बारिश नाजिल करेगा, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर नाजिल होगी, तब जब आप अदल इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, इस्लाह का काम करेंगे। मेरे भाइयों, गौर कीजिए कि अगर इंसान रिश्तों में मोहब्बत पैदा करना चाहता है तो फैसला अदल इंसाफ पर करें, और इसी तरीके से आइए प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस आपको सुनाता हूँ। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा अमल ना बताऊं, ऐसी चीज ना बताऊं जिसको तुम करोगे तो वो अमल तुम्हारा नमाज से भी बेहतर होगा, तुम्हारे सदका खैरात देने से भी बेहतर होगा, तुम्हारा रोजा रखने से भी बेहतर होगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, वो कौन सा अमल है जो नमाज से भी बेहतर हो, जो सबका खराज से भी बेहतर हो, जो रोजा रखने से भी बेहतर हो, जरूर बताइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में इस्लाह का मामला कर देना, दो भाई के दरमियान अगर इख्तलाफ है तो आप जाकर के इस्लाह का मामला कर देना, इस्लाह कायम कर देना। अल्लाहु अकबर। अरे भाइयों, गौर कीजिए, इस्लाह करने वाला अगर इस्लाह करता है अदल इंसाफ के साथ, इतना बड़ा फायदा है और इतना बड़ा अमल है कि ये अमल नमाज से, रोजे से और सदका खैरात से भी बेहतर है। लेकिन जो आदमी इंसाफ नहीं करता, जो आदमी इस्लाह का काम नहीं करता और दो खानदानों के बीच में रिश्तेदारियों को तोड़ता है, इख्तलाफ की बीज होता है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फसाद ज़ातिल बैन अल-हालिका, जो इंसान दो खानदानों के बीच में इख्तलाफ की बीज बोता है, रिश्तेदारियों को तोड़ता है, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को, उसकी नेकियों को जाया और बर्बाद कर देता है, अल्लाह ताला उसके तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर नमाज से बेहतर, रोजे से बेहतर और सदका खैरात से बेहतर ये चीज कैसे हुई, आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से बेहतर इस्लाह को कहा, रोजे से बेहतर इस्लाह को कहा और सदका व खैरात देने से बेहतर इस्लाह को कहा।
एक किताब है हौलुल माबूद, जो सुनन अबी दाऊद की शरह है, जिसको अल्लामा शमसुल हक अदीब आबादी ने लिखा। वो लिखते हैं इस हदीस की शरह में कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज का फायदा उसकी जात को होता है, जब इंसान रोजा रखता है तो रोजे का फायदा उसकी जात को होता है, जब सदका व खैरात करता है तो उसका फायदा उसकी जात को होता है। रोजा नमाज पढ़ने से नेकियां उसको मिलती हैं, रोजा रखने से सवाब उसको मिलता है, सदका व खैरात करने से अजर उसको मिलता है। लेकिन जब इंसान दो खानदान के बीच में इख्तलाफ का खात्मा करने के लिए इस्लाह कायम करता है, इस्लाह करवा देता है, दो भाई के बीच में जो बात नहीं हो रही थी बात करवा देता है, तो इस्लाह करने से एक माशरे का फायदा होता है, एक समाज का फायदा होता है, एक खानदान का फायदा होता है, एक नमाज पढ़ने से फायदा उसकी जात को मिलता है, रोजा रखने से फायदा उसकी जात को होता है, सदका व खैरात करने से फायदा उसकी जात को होता है। लेकिन जब इंसान एक दो खानदान को आपस में मिला देता है, इस्लाह का काम करता है, तो उसका फायदा पूरे समाज को होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि इस्लाह का अमल इतना बड़ा है जो नमाज से भी बेहतर है, रोजे से भी बेहतर है, और सदका व खैरात करने से भी बेहतर है। मेरे भाइयों, इस्लाह कीजिए इस्लाह। अगर दो भाई आपस में लड़े हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप जाइए, बैठिए, दोनों भाइयों को बैठाइए, क्या मामला है? अरे दुनिया में कौन सा ऐसा मामला नहीं है जो हल नहीं हो सकता है? हर मामला हल हो सकता है। याद रखिए, मसले का हल है लेकिन रगड़े का हल नहीं है। अगर कोई आदमी जिद पर पड़ा रहे तो उसका हल नहीं है, लेकिन अगर आदमी ये सोचे कि मैं हल करना चाहता हूं तो इस मसले का हल हो सकता है। मेरे भाइयों, इसीलिए आप देखेंगे कि जब इंसान रिश्तों के बंधन में बंधता है, रिश्तों में हमें मोहब्बत पैदा करनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिश्ता अल्लाह ने बनाया। रिश्ता किसने बनाया? हम यूं ही पैदा नहीं हो गए, हम बाप के जरिए से, मां के जरिए से दुनिया में वजूद पाए हैं। हमारा कोई भाई है, हमारी कोई बहन है, हमारे खानदान वाले हैं, ये रिश्ता बनाने वाला अल्लाह। तो अगर कोई आदमी रिश्ते को तोड़ता है तो गोया कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से है। रिश्ता किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। और अगर इंसान रिश्तों को तोड़ता है तो गोया कि अल्लाह की डायरेक्ट वो अल्लाह के फरमान के खिलाफ काम कर रहा है, अल्लाह की नाराजगी वाला काम कर रहा है। रिश्ता अल्लाह ने बनाया है, तो रिश्तों को तोड़ने से मेरे भाइयों बचो, अल्लाह से डरो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुरान मुकद्दस के अंदर, सुनिए गौर से मेरे भाइयों, रिश्तों को मत तोड़िए, इस्लाम कीजिए। हाँ, मैं जानता हूं कि कभी कभार ऐसा मामला होता है, ऐसे मसाइल सामने आते हैं कि भाई भाई के सामने इख्तलाफ की नौबत आती है, जहां पर दो पतीला होगा, दो भगौना होगा, वहां पर आवाज आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, इख्तलाफ हो सकता है लेकिन इख्तलाफ का खात्मा भी हो सकता है, उसको भी हल किया कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सूरह निसा की पहली आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, ऐ दुनिया के वासियों, ऐ कायनात के अंदर रहने वाले इंसानों, कान खोल कर सुन लो, इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से डरो जिस रब ने तुम्हें एक जान से पैदा किया, एक नफ्स से पैदा किया, वखलक मिनहा ज़ौजहा, और उस आदम से उसकी बीवी हव्वा को भी पैदा किया, वखलक मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा, और उस आदम और हव्वा से पूरे नस्ल इंसानी को आबाद किया, पूरी कायनात को पैदा किया। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इत्तकू रब्बकुम, तुम अपने रब से डरो, और अल्लाह से डरो जिसका जरिया लेकर तुम सवाल करते हो, जिसका वसीला लेकर तुम सवाल करते हो, उस रब से डरो, वल अरहाम, और रिश्तेदारियों को तोड़ने से बचो, भाई भाई के दरमियान इख्तलाफ करने से बचो, खानदान खानदान के दरमियान इख्तलाफ करने से बचो, रिश्तों को तोड़ने से बचो, बल्कि रिश्तेदारियों को जोड़ो, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम,
अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है, तुम्हें देख रहा है, अल्लाह से डरते रहो। वरना याद रखो, दुनिया के अंदर तुम खानदान को तोड़ोगे, रिश्तेदारी को तोड़ोगे, तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हें सजा क्या मिलेगी, तुम्हें पनिशमेंट क्या मिलेगा। मेरे भाइयों, आगे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खलक अल्लाहुल खल्का, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात को पैदा किया, जब कायनात को बनाने के बाद फारिग हुआ, आमतिर रहम, तो रिश्तेदारी खड़ी हो जाती है, रहम खड़ा हो जाता है, और अल्लाह से कहता है, अल्लाह आज मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ। जैसा कि कल क्या, कल इस दुनिया के अंदर इंसान जो रिश्तेदारी को तोड़ेगा, खानदान को तोड़ेगा, वो तुझसे पनाह मांगेगा, आज मैं तुझसे पनाह मांग रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ रहम, ऐ रिश्तेदारी, ऐ रिश्ता, क्या तुझे इस बात पर खुशी नहीं है, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि अगर तुम जो तुझे दुनिया के अंदर जोड़ेगा, मैं उसको जोड़ूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, और जो खानदान को तोड़ेगा, जो रिश्तों को तोड़ेगा, मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, कितनी बड़ी बात है। अगर जो खानदान को मिला कर रखता है, अल्लाह का उस पर रहमत का साया होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथ होता है, और जो खानदान को तोड़ता है, अल्लाह उसको तोड़ देता है, अल्लाह उसको बर्बाद कर देता है। ये इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मेरे भाइयों, आज हम और आप कहते हैं, अगर मैं किसी भाई से कहूं कि भाई इख्तलाफ को खत्म कीजिए, प्यार मोहब्बत को बांटिए, आज आइए हम इंसान ही, इंसान का माना ही प्यार और मोहब्बत बांटने वाला होता है, आइए मिल जाइए। नहीं जनाब, बहुत दिन से देख रहा हूं तुम्हारे बहन भाई की बीवी ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है, हमारा घराना मामला ऐसा है, मेरी माँ ऐसा बोल रही, मेरी बीवी ऐसा बोल रही। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इंसान किसे कहा गया है? अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया, अगर आप किसी से मिलकर रहोगे तो कभी कभी कड़वी बातें सुनने को मिलेगी। कड़वी बात किसको सुनने को मिलती है? जो जो हक बात बोलता है। जब आप ताल्लुकात कायम करोगे, आपको कड़वी बात सुनने को मिलेगी। आप सुन करके सबर करोगे तो सच्चे होगे। सुन करके कड़वी बात को सुन करके सबर करोगे, इस्लाम का कानून कायम रखोगे, मामला रखोगे, तो आप सच्चे होगे। अगर आप चाहते हो कि छोड़ो, सबसे अलग रहो, ना बोलना, ना चालना, ना कोई तकलीफ वाली बातें सुनना, तो याद रखिए, अल्लाह के नबी की नजर में सच्चे मोमिन आप नहीं है। आप सच्चे मोमिन, आइए मैं आपको बताऊं कि जो इख्तलाफात होते हैं, जो दो खानदान के दरमियान आपस में रंजिश होती है, कोई मामला होता है, इस मामले को खत्म कैसे किया जाए, रिश्तों में मोहब्बत कैसे कायम की जाए, आज मैं चंद फार्मूला आपको बताता हूं, चंद नुस्खे कीमिया बताता हूं, चंद आपको दवा बताता हूं, उस दवा का इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अजीज आपके खानदान में मोहब्बत कायम होगी, रिश्तों में मोहब्बत कायम होगी, दो खानदान वाले मिल जाएंगे। और अल्लाह की कसम है, इस भी बड़े रसूल से मैं बोल रहा हूं कि मेरा मकसद यह है कि दो खानदान वाले आपस में मिले, समाज के अंदर इत्तेहाद कायम हो, समाज के अंदर अपना शांति कायम हो, भाई भाई से मिलकर सलाम करे, भाई चचा भतीजे से मिले तो सलाम करे, ये हमारा मकसद है। और मैं यही चाहता हूं, और यही हमारी दावत है कि समाज के अंदर इंतशार नहीं, इख्तलाफ नहीं, दुश्मनी नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, एक दूसरे को देखकर हम सलाम करें, मुस्कुराए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, ये हमारा मकसद है, ये दावत है। और याद रखिए, मैं इस चीज को बार बार बोलने की कोशिश करूंगा, क्यों? मैं चाहता हूं हमारा समाज अच्छा हो जाए। तो आइए देखते हैं कि रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने का सबसे पहला फार्मूला, पहली दवा क्या है? रिश्तों में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहला इस्लामी तरीका, सलाम करें, सलाम को आम करें। आप देखते होंगे कि दुनिया में सब मजहब, कितने मजाहिब हैं, हर मजहब के अंदर बात करने से पहले बोलने का एक तरीका है,
कोई गुड मॉर्निंग बोलता है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जब वो पहले मिलेंगे तो अपने महबूबों का नाम लेकर के आपसे बात करेंगे, लेकिन याद रखिए कुर्बान जाइए। हमारे इस्लाम ने, हमारी शरीयत ने इतनी प्यारी चीज दी। हमारी शरीयत ने कहा, इस्लाम ने कहा, जब एक इंसान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करे, जब उससे उसका सामना हो तो सबसे पहले कहे सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे भाई, तेरे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत नाजिल हो। मेरे भाइयों गौर कीजिए, तीन तीन दुआ अपने भाई को हम और आप दे रहे हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह का नाम दिया गया। जब आप देखेंगे 99 नाम अल्लाह के हैं, अल्लाह की एक सिफत सलाम भी है, हम क्या कह रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। ऐ मेरे भाई, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, वबरकात हो, और अल्लाह की बरकत नाजिल हो। इसलिए आप कभी गौर करेंगे कि एक सलाम करने से सालों की दुश्मनी सलाम करने से मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। और हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं बेचारे, अल्लाह उनको हिदायत दे कि अगर कभी झगड़ा होता है या कोई मामला होता है, या बहुत सारे ऐसे हमारे जो है नौजवान है कि अगर कोई मामला हुआ या आपसे बात करना नहीं चाहते तो सलाम करना छोड़ देते हैं। क्या बहुत सारे लोग बोलते थे फला सलाम नहीं करना, फला से बात नहीं करना, उनको मालूम है कि सलाम करेंगे तो मोहब्बत कायम होगी, और अगर सलाम नहीं करेंगे तो नफरत कायम होगी। उनको मालूम है कि सलाम करने से मोहब्बत कायम होती है, कुर्बत होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला बताया और कहा, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, ला तदखुलून जन्नत हत्ता तूमिनो, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम ईमान वाले ना बन जाओ। जन्नत में दाखला करने के लिए, दाखिल होने के लिए ईमान लाना शर्त है। वला तूमिनो हत्ता तहाब्बो, और तुम मोमिन नहीं बन सकते यहाँ तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो, एक दूसरे से मोहब्बत ना कायम करने लगो। अल्लाह के नबी ने उसके बाद सहाबा किराम को एक फार्मूला बताया और कहा, मेरे साहबियों, क्या तुम्हें मोहब्बत करने का एक फार्मूला ना बता दो, क्या तुम्हें मोहब्बत कैसे कायम होती है तुम्हें वो तरीका ना बता दो। मेरे साथियों, क्या मैं तुम्हें वो तरीका ना बताऊं, इस तरीके पर अमल करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत कायम हो जाए। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी बताइए, अफ्सुस सलाम बैनकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। जब तुम्हारा मुसलमान भाई तुम्हारे सामने मिल जाए तो सलाम किया करो, सलाम करने से मोहब्बत कायम होती है। आज हमारा फर्क क्या है, स्टेटस देख के सलाम करते हैं, अरे ये आदमी सेठ है ना, ये आदमी फला मनसब पर कायम है, इससे मेरा मतलब है इसको सलाम करो, दूर से सलाम करो। अगर कोई गरीब आदमी, उसको सलाम नहीं करते, स्टेटस देकर सलाम करते हैं। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, अल्लाह के नबी की तालीम क्या है। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे साहबियों, जिसको तुम पहचानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको तुम नहीं पहचानते हो उसको भी सलाम करो। अगर कोई मुसलमान है, नहीं पहचानते हो, आपका ताल्लुक नहीं है, तो आप उसको भी सलाम करो, ये आपके लिए फर्ज है, जरूरी है। लेकिन आज हम लोग देख करके सलाम करते हैं। तो मोहब्बत, रिश्तों में मोहब्बत कायम करने का सबसे पहला फार्मूला, सलाम को आम करें, सलाम करने से मोहब्बत पैदा होगी। दूसरा फार्मूला, आज हमारे समाज में क्या है, बिना मतलब के कोई किसी को 5 मिनट भी नहीं देता, मुलाकात करने भी नहीं जाते। और आजकल का दौर तो मोबाइल का दौर हुआ, मोबाइल के जमाने में बात करने का भी वक्त किसी के पास नहीं है। अगर आपसे मतलब है तो 1 घंटा आपके पास बैठ जाएंगे, लेकिन मतलब नहीं है तो 2 मिनट भी नहीं देंगे। नहीं, टाइम नहीं है, अभी प्रबंध काम है, ऑफिस में मीटिंग है, बुलाया उसको लोगों ने, यानी इस तरीके से हीला बहाना तलाश करते हैं। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, रिश्तों में मोहब्बत कायम करना है तो मुलाकात करने जाना होगा।
आपको टाइम देना होगा, आपको बात करनी होगी, आपको जाकर के वहां पर खैर खूबी पूछनी होगी। बिना वजह, कोई वजह भी नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर भी आप घर जाइए, जाकर के आप उसके मुलाकात कीजिए, ताकि उसको एहसास हो कि सामने वाला फिक्रमंद है, मुझे मुझे पूछता है, मेरे मेरा हाल चाल लेता है, और उसको एहसास दिलाए कि मैं किसी काम की गर्ज से नहीं आया हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मेरा मेरी गरज यह है कि आप और मेरे बीच में मोहब्बत कायम रहे। मेरे भाइयों, अगर जो इस वर्ष से लोगों से मिलने के लिए जाते हैं ना, तो कितना बड़ा मकाम है, सुनिएगा गौर से, हदीस की रोशनी में। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी अपने घर से निकलता है अपने भाई के मुलाकात करने के लिए, अपने घर से निकला, दूसरी बस्ती में जा रहा है कि मैं अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, उसका हाल चाल लेने के लिए जा रहा हूँ, उसकी ज्यारत करने के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ते को भेज दिया, रास्ते में इंसान की शक्ल में फरिश्ता वहां पर बैठा हुआ है, यह आदमी मिलने के लिए जा रहा है, फरिश्ता वहां पर मुलाकात हो जाता है। फरिश्ता कहता है, मेरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं फला बस्ती में अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ता कहता है, क्या तुम्हारा कोई मकसद तो नहीं? क्या वो तुम्हारा कोई पैसा बाकी है, या तुम उसका कर्ज बाकी हो, या कोई एहसान है जिस एहसान को छुपाने के लिए जा रहे हो? वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, मैं अपने भाई से अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के खातिर मुलाकात करने जा रहा हूँ, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसका हाल चाल लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, मुलाकात करने वालों, रिश्तों को बचाने वालों, रिश्तों के अंदर इतिहास कायम करने वालों, मोहब्बत कायम करने वालों, भाइयों का साथ देने वालों, सुनो, खुशखबरी है आपके लिए, जो भाई से मुलाकात करने के लिए बिना मकसद बिना गरज के जाते हैं, फरिश्ता कहता है, आए मेरे भाई, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कासिद हूँ, फरिश्ता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भेजा है, और याद रखो मेरे भाई, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो, अल्लाह की मोहब्बत के खातिर अपने भाई से मुलाकात करने जा रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुमसे मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि तुम अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए तुम अपने भाई को देखने जा रहे हो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगा। अल्लाहू अकबर, भाई से मुलाकात करने के लिए जाने पर इतना बड़ा इनाम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से मोहब्बत कर रहा है। और कीजिए मेरे भाई, कितनी बड़ी बात है। आज हम लोग इसको छोटा समझते हैं। ये दूसरी वजह, आप भाई से मुलाकात करने के लिए जाए, टाइम दे उसको, जाए उसका हाल चाल ले। किसी से मुलाकात करने पर भी क्या होती है, रिश्तों में मोहब्बत पैदा होती है। तीसरी चीज, रिश्तों में मोहब्बत पैदा करनी है तो याद रखिए मेरे भाइयों, आप जब घर में आए तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आज हमारे भाइयों का हाल क्या है, अगर हम पूछते हैं, मेरे भाई आपका बच्चा तो आपसे बहुत डरता है। हाँ भाई, मैं ऐसा रोब और दबदबा बनाकर रखता हूँ कि मैं जाता हूँ, मेरा बच्चा मुझको देखकर सहम जाता है, डर जाता है, मेरी बीवी मुझसे डर जाती है। याद रखो मेरे भाइयों, अगर ऐसा इंसान है जो डर और खौफ का माहौल रखा हुआ है, वो आदमी नहीं है। हम बताएं, हम मेरे भाइयों जरूर जरा ये बताइए कि आप इंसान है या शेर है, कि शेर से इंसान देख डरता है। आप इंसान है, अल्लाह ने आपके अंदर रहम पैदा किया है, मोहब्बत पैदा की है, आपको देखकर आपका बच्चा डरे, आपकी बीवी डरे, आप अच्छे इंसान नहीं है, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके अंदर प्यार और मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अर्रहीमून यरहमुहुमुर रहीमून, रहमान रहम करने वालों पर रहम करता है, रहमान रहम करने वालों पर रहम करता है, इरहमु मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा, जो जमीन वालों पर रहम करता है आसमान वाला उस पर रहम करता है, जो जमीन वालों पर रहम करता है आसमान वाला उस पर रहम करता है। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने नवासे हजरत हसन को चूम रहे थे, बोसा ले रहे थे, बच्चे थे, चूम रहे थे प्यार और मोहब्बत से। सामने एक देहाती आदमी, कुछ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी आप बच्चे को चूमते भी हैं, बोसा भी देते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, क्यों नहीं?
तो अल्लाह के नबी से उस ज्ञाती ने कहा मेरे पास 10 औलाद है लेकिन आज तक मैंने किसी को चूमा नहीं है, किसी को कोसा नहीं लिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे दिल से अल्लाह ने रहमत को छीन लिया, प्यार और मोहब्बत को छीन लिया तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। मेरे भाइयों बच्चों से प्यार कीजिए, बच्चों से मोहब्बत कीजिए, बच्चों से लगाव रखिए, बीवी का हक अदा कीजिए, बीवी से मोहब्बत कीजिए। ये इंसान के लिए जरूरी है अगर रिश्तों में मोहब्बत कायम रखनी है। चौथी चीज रिश्तों में मोहब्बत कायम रखनी है, चौथा फार्मूला क्या है, रिश्तेदारों को दुआओं में याद रखें, रिश्तेदारों को दुआओं में याद रखें। आज तो अपने लिए दुआ नहीं करते तो रिश्तेदारों के लिए क्या दुआ करें। नमाज में फजर में अफसोस होता है मेरे भाइयों, दिल रोता है दिल। फजर की नमाज में सिर्फ दो आदमी रहते हैं, क्या दो ही आदमी पर नमाज फर्ज है? क्या यह मस्जिद या जितनी भी मसाजिद है क्या दो ही आदमी के लिए बनाई गई है? और बास बास मरतबा तो मैं देखता हूं कि सबों के आगे बच्चे हैं, बच्चे जो खड़े हुए जिनके अंदर ये जज्बा है और वो बच्चे कह रहे हैं कि मैं बड़ों से बेहतर हूं इसलिए कि मैं नमाज में पहले सबको बोलूंगा, मैं बड़ों से भी बेहतर हूं इसलिए कि मैं पहले सबने नमाज में मौजूद हूं। ये बच्चों का अमल और किरदार बता रहा मेरे भाई। अफसोस है दूध बनने का मकाम है हमारे लिए, आज नमाज में पीछे क्यों, नमाज में पीछे क्यों? जिस नमाज को अल्लाह ने फर्ज करार दिया है आज उस नमाज के लिए आपकी नींद नहीं खुलती। और याद रखिएगा इस बात को, जो आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है ना, सोया रहता है, सूरज तुलू हो जाता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये नबी की बात बता रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। अब करवाइए पेशाब, शैतान कान में पेशाब कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान उसके कान में पेशाब करके चला जाता है। अगर बच्चा कान में पेशाब कर दे, बिस्तर पर पेशाब कर दे या कपड़े पर पेशाब कर दे, बच्चे को हम जो है झटकते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन रोजाना जान बुझ कर कान में पेशाब करवाते हैं हमें, जरा बराबर भी चेहरे पर ये उदासी नहीं छाती। सब काम हो रहे हैं लेकिन नमाज में पीछे क्यों? आज मुसलमान शहीद इसलिए है, इसलिए कहा गया अगर रिश्तों में मोहब्बत कायम करनी है तो रिश्तेदारों के लिए दुआ कीजिए। सफवान बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने ससुराल जाते हैं, उनके ससुर का नाम हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके सास का नाम उम्मे दर्दा था। सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु ससुराल जाते हैं, उम्मे दर्दा ने पूछा, सास ने पूछा, ऐ सफवान क्या तुम इस साल हज करने जा रहे हो? सफवान ने कहा, दामाद ने कहा कि हाँ मैं इस साल हज करने जा रहा हूँ। तो सास ने कहा, उम्मे दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि जा रहे हो तो फतहुल्लाह लना बिखैरिन, तो तुम मुझे हमें जो है दुआओं में याद रखना, दुआएं खैर करना हमारे लिए, हमें भी दुआओं में याद रखना। उसके बाद उम्मे दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ऐ सफवान मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है कि जो इंसान अपने भाई के पीठ पीछे दुआ करता है और दुआओं में उसको याद करता है तो जो जो दुआ मांगता है फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। और उसके बाद जो दुआ मांगता है सब दुआ कबूल हो रही है, फरिश्ते आमीन कह रहे हैं, फरिश्ते कहते हैं वाला का भी मिसली जो कुछ तूने मांगा है अल्लाह भी तुझे अता करे, अल्लाह भी तुझे वो चीज दे जैसा कि मैंने अपने भाई के लिए कहा। अल्लाह मेरे भाई के कारोबार में बरकत दे, अल्लाह मेरे भाई के सेहत में बरकत दे, अल्लाह मेरे भाई के उम्र में बरकत दे, वो चीजें हमें भी मिलेंगी, वो दुआएं हमारे लिए भी कबूल होगी। और कीजिए मेरे भाइयों, भाई के पीठ पीछे दुआ करने की फजीलत क्या है, क्या हमारी दुआ कबूल भी हो रही है और फरिश्ते भी आमीन बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा, और भी फार्मूला था लेकिन वक्त ज्यादा हो रहा है, बस ये चार पांच फार्मूला आप जो है जहन में रखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। पहला फार्मूला क्या बताया मैंने कि आप सलाम को आम करें, दूसरा फार्मूला ये बताया मैंने कि आप जो है क्या नाम है मुलाकात के लिए टाइम निकालें, ज़ियारत करने जाएं, तीसरा फार्मूला मैंने बताया कि अपने अंदर रहम और प्यार का मादा रखें, और चौथा फार्मूला मैंने बताया कि अपने खानदान वालों के पीछे पीठ पीछे उनके लिए दुआ करें,
दुआ खैर मामू याद रखें। और एक फार्मूला और है कि हदिया तो आज भी दिया करें, कभी घर में अच्छी चीज बन जाए तो खानदान वाले के आप भेज दिया करें। एक दूसरे को हदिया तोहफा देने से प्यार मोहब्बत बढ़ती है मेरे भाइयों, ये भी एक फार्मूला है। ये पांच फार्मूला आप याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को रिश्तों के अंदर मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमा, इख्तिलाफ का खात्मा कर दे। जो खानदान वाले आपस में दूरी इख्तियार किए हुए हैं, अल्लाह उन दोनों खानदानों के दरमियान प्यार और मोहब्बत कायम कर दे। रब्बुल आलमीन भाई अगर भाई से दूर है तो उन दोनों को मिला दे, अगर बेटा बाप से दूर है तो बेटे को बाप से करीब कर दे, अगर माँ बेटी से दूर है तो अल्लाह माँ को बेटी से करीब कर दे। अल्लाह जो जो इख्तिलाफ के अंदर भंवर में फंसे हुए हैं, अल्लाह इख्तिलाफ का खात्मा करके हमारे समाज के अंदर अमन शांति कायम कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मैं तेरा बहुत गुनहगार बंदा हूँ, मैं तेरा खताकार बंदा हूँ, लेकिन रब्बुल आलमीन मैं तुझसे दुआ जरूर कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे मुसलमान भाइयों को और इस समाज वालों को के अंदर अल्लाह इत्तेहाद और मोहब्बत कायम कर दे, समाज के अंदर इख्तलाफ का खात्मा कर दे। अल्लाह तमाम लोगों को इस बात की तौफीक दे कि जब भी कहीं कोई मुसलमान मिले तो सलाम करके उससे उसका स्वागत करें, उसको खुशामदीद कहें, मरहबा कहें। अल्लाह हम तमाम लोगों को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे जो भाई यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह ऐसे ही हमें जन्नत के अंदर भी एक साथ बैठने की तौफीक अता फरमा दे, हमारी बेटियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं उनके कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम नसीब फरमा। अल्लाह जो कारोबारी लिहाज से परेशान है उनके कारोबार में बरकत दे। अल्लाह जो औलाद के लिहाज से परेशान है उनके औलाद को नेक और साले बना दे। ऐ रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारा हिंदुस्तान जो एक बेहतरीन हमारा वतन है और इस वतन से हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इस वतन के अंदर अमन शांति कायम कर दे। अल्लाह इस वतन को अल्लाह तुझ बेहतरीन जो है जगह बना दे, और इस वतन के अंदर गंगा जमनी जो तहजीब कायम है उसको कायम रखना और हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।